Hello guys and welcome back to another vlog. My another vlog and my mom's. आज जैसे हम पहले अलग vlog सुनाते थे पहले मम्मी बनाती थी फिर मम्मी बनाती थी लेकिन आज हम इकट्ठा vlogging कर रहे हैं. मतलब आज हम कुछ changing vlogging कर रहे हैं. आज हम इकट्ठा करेंगे. आज हमने क्योंकि ऊपर सेम टीशर्ट पहनी है. कहाँ पहनी है? कलर तो सेम ही बट टी-शर्ट तो सेम है ना. सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस. आप सब कैसे हो कमेंट करके बता दो. पावनी मेरा हाथ दर्द कर रहा है इतनी टाइट. सो गाइस पावनी इमोशनल हो गई थी लवकेश को लेकर. उसको लवकेश की याद आ रही थी. तो प्लीज व्लॉग को पूरा एंड तक देखना. आपको पता चलेगा हाउ शी इज यू नो मैं बच्चा याद कर रही अपने चाचू को. एंड गाइस कल तो मैं रो रही थी मम्मी का पूरा सिर दुखा. ये चाचू को सर नहीं दर्द करा बेटा. नहीं बिल्कुल नहीं. पर गाइस मैंने चाचू को लेके इतना रोई कि मैंने उनके पाँव से लट के चिप गई फोटो के साथ. सो गाइस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं. और विराज का हुआ है न्यू हेयर कट. बिग बॉस के घर के अंदर जाने की तैयारी शुरू हो गई है. और गाइस एक और बात की अभी मम्मी व्लॉग स्टॉप करने वाली थी पर हम व्लॉग स्टॉप नहीं करेंगे. हम अभी तो व्लॉग शुरू ही हुआ तो बोले जय श्री राम. जय श्री राम. एक कथिश का होएगा विराज का. कैसा वाला इधर देखो मम्मा को. उधर नहीं सुन सुन राज देख इधर देख इधर. एक कथिश का होएगा. कौन बनेगा सुंदर बेबी है ना. लो भाई माँ जी आ गई. भाई बिग बॉस में जाएगा ऐसे कैसे वो थोड़ी भेज देंगे है ना विराज. एक बार दिखा दे. कटिंग करा के हो रहा हूँ मैं बिग बॉस में जाने के लिए रेडी. मम्मी बिग बॉस में जा. हाँ देख लो वीकेंड नहीं फैमिली वीक. विराज जाएगा फैमिली वीक पे है. विराज रेडी हो रही हूँ मैं रेडी हो रहा हूँ. मजे आएंगे मुझे है ना. चाचू से मिलूंगा मैं. इसके मन में तो बहुत कुछ है पर ये कर नहीं पा रहा इतना. स्माइल करो विराज. अपने ना बालों को देख रहा है. पावनी कितनी गंदी डरती थी ना मम्मी इन बालों से बहुत बुरी. मजे आए मेरे को मम्मी. ए क्या चेक कर रहा है. गीले नहीं करोगे भैया? ओ सुंदर बेबी बनेगा. स्मार्ट बेबी बनेगा. पारा बच्चा बनेगा है ना. दीदी के बर्थडे के लिए है कट. दीदी के बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू. बर्थडे दीदी का. ओ बेटे हीरो बना पाऊंगा. और लवकेश के सामने तो इतना चला भी कहाँ है. ये लवकेश के सामने इतना चला भी कहाँ है. थोड़ा थोड़ा चलता था. अरे मेरे तो बच्चे जामी में जाते हुए मम्मी सबको बताना बिलो भैया गए हैं. मेरी बात करते हुए बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत अच्छा खेल रहा है. तो उसको भी हम तो पूरी फैमिली लगी रहती है
मगाजी बस करते रहना आप लव की मम्मी है ना, कपड़े लेने गए वहाँ पे भी आंटी आप लव कटा लेगी मम्मी हो पहले तो आंटी कभी कभी आती जैसे खाना डालते हुए या फिर खा ले सोते गेट खोलते वही है कटारे भाई देखो ऐसे यूज करते हैं हम लोग करते हैं इफ यू हमने किया था परमिशन दो तो वी आर वेरी गुड हगर हमें भी बहुत याद आ रही है और इस की अपना ऐसे अरे वही वही कम है हम तो हम करते हैं शिवानी शिवानी प्रिया तो ले आपको जा चुकी बहुत सारी याद आ रही है बच्चा लवकेश पावनी को तेरी बहुत याद आ रही है और वो सुबह से इसको याद करके उसने अपने हाथ पे लिखा खुद लिखा है आई लव यू टू चाचू एंड आई मिस यू दिखाओ फिर चाचू ब्लॉग को देखेंगे बाद में आके ही विल बी वेरी हैप्पी है देखो भाई आई लव यू टू चाचू डोंट वरी बेटा अभी 2-3 weeks की बात है फिर चाचू घर पे आएंगे ना अब तो ब्रेव कर लो चाचू को जीत के लानी है ना ट्रॉफी तो जीत के लाने के लिए तो उनको वहां पे रुकना पड़ेगा अगर वो वहां पे रुकेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे है ना मैं बच्चा अब तो बहुत स्ट्रांग हो चाचू की स्ट्रांग गर्ल हो ना है ना फिर ऐसे थोड़ी रोते हैं प्लीज फिर चाचू को पता चलेगा कि मेरी बेटी रो रही है तो उनको भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना पावनी आई नो योर फीलिंग्स बेबी आपको बहुत याद आ रही है चाचू की हमें भी आती है मम्मा माजी को भी याद आती है चाचू की पापा दादू को भी याद आती है बस एक विराज को नहीं आती क्योंकि उसको पता ही नहीं है है ना उसको इतना पता नहीं है ना अभी कैसे क्या होता है ही डोंट नो एनीथिंग तो इसलिए वो सिर्फ आपको देख के रो रहा था कि मेरी दीदी रो रही है तो मैं भी रो लेता हूँ है ना अब आप स्ट्रॉन्ग गर्ल बनो चलो बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल ना जस्ट अरे हैं ए नहीं उसमें वो लगी बेटा इसमें पिंस लगी है हाथ में लग जाएगी बेटा उसमें पिंस लगी है मान जा ए मान जा पावनी इतनी तू है इतना तन पोस्ट उठा रखा चाचा का जैसा कि आपने देखा पावनी बहुत ज़्यादा रो रही थी तो लवकेश के लिए लिख दो कि टेंशन मतलब पावनी चाचू जीत के आएंगे यस अब भाई हमें भी पेशेंस रखना होगा देखो रोना आता है जैसे वो रो भी रहा था परसों तो थोड़ा ये मतलब क्या है मैं हम यहाँ व्लॉग बना रहे हैं और आप मेरे बाल खोल रहे हो अच्छे लगते हैं सो गाइज व्लॉग को करेंगे आ मेरी बाल फट गई आमी क्या करते हो सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग और पसंद आया तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लग जाएंगे बाकी जो कल वीकेंड का वार था वो काफी अच्छा गया अनिल कपूर सर ने बोला मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है लव कटारिया परसों का वहाँ पर बिग बॉस परसों बिग बॉस देख रहे थे चाचू जोर से बोलो चाचू जो देते आपने देखा था ना मामू लूड़े देते मेरे मामू के पास वैसे चाहे आप नाम नहीं पता होगा मैं बताती हूँ उनका नाम है विक्की गुडारा और ऑफ कोर्स मेरा बर्थडे वेंसडे को है तो
आपसे पहले तो आपके विक्की मामू का बर्थडे आएगा 15 को 15 जुलाई जाएंगे सो गाइस थैंक यू सो मच बाय बाय एंड टेक केयर जय श्री राम जय श्री राम बोलो रुको गाइस एक और बात बतानी है कि देखो मामू का बर्थडे आएगा ये विराज का हेयर कट हो गया गाइस ए गाइस आज मेरे मामू का बर्थडे तो आ रहा है पर उनके बाद मेरा बर्थडे है रुको और फिर प्लीज मुझे गुड विशेस दे दीजिए मेरे बर्थडे पे क्योंकि मैं फाइनली 6 years old होने वाली हूँ कंग्रेचुलेशंस के लिए मुझको सो बाय बाय टेक केयर जय श्री राम